अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिन जमाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मिस्टर वैजान। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube शार्ट्स के हवाले से, ठीक है। तो जैसा हमने सोचा था कि YouTube शार्ट्स के जो है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग देगा। जैसे हमारी लॉन्ग वीडियो पर अर्निंग होती है, इसी तरह हमारी शार्ट्स पर अर्निंग होगी, लेकिन हमारे ख्वाब टूट गए हैं, ठीक है। यूट्यूब ने बिल्कुल हमें धचका पहुँचाया है, हमारा दिल तोड़ा है, ठीक है। इतनी अर्निंग बिल्कुल नहीं दे रहा। 1 मिलियन पर हमें $5 से $6 जो है वो अर्निंग होगी अगर हम शार्ट्स भेजेंगे तो, ठीक है। तो 1 मिलियन ऐसे आसानी से नहीं होंगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है इस पर, तो ये ना होने के बराबर है। अब सवाल ये आता है कि यूट्यूब शार्ट्स पर हम काम करें या ना करें, क्योंकि ये तो हमें अर्निंग बिल्कुल नहीं दे रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यूट्यूब शार्ट पर वर्क करें, ठीक है, क्योंकि जब आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, यूट्यूब शार्ट से हमें सब्सक्राइबर मिलते हैं, ठीक है, फेम मिलता है। जैसे टिकटॉक है, इसी तरह टिकटॉक अर्निंग तो नहीं देता ना, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं टिकटॉक से। कैसे कमा रहे हैं? फेम की वजह से कमा रहे हैं। आप यूट्यूब शार्ट्स अच्छे कंटेंट से बनाएं, ठीक है, अच्छा आपका टॉपिक होना चाहिए, उस पर वीडियो अपलोड करें। जब आपका एक अच्छा फेम बन जाएगा, उसके बाद आप एक लॉन्ग चैनल, बड़ी वीडियो वाला चैनल बना सकते और उसको वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। एक दो वीडियो में आप लिंक दें अपनी वीडियो का कि ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, या छोटी सी वीडियो बनाकर अपने टॉपिक के हवाले से वहाँ पर जो शॉर्ट्स चैनल वहाँ पर लगाएं और उनको बताएं कि अगर आपने ये प्रॉपर वीडियो देखनी है तो यहाँ पर हमारे चैनल पर आएँ, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है बाद में। अगर ये आपके टॉपिक मिलियन में आते हैं तो अर्निंग होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूट्यूब शार्ट्स एक ही चैनल पर भेजें, यानी कि जो लॉन्ग का हो और शार्ट्स का साथ में भेज सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भेजना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसके लिए एक न्यू चैनल बनाएं, अलग बनाएं, ठीक है। जब इस पर वीडियो आप भेजते जाएं, जब फेम मिलेगा तो आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, हम आए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास एक मेरा छोटा सा चैनल है शार्ट्स के हवाले से। ये देखें, अभी मैंने इस पर कुछ ही वीडियो अपलोड की हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें कितनी है, 5-6 वीडियो अपलोड हैं, ठीक है, 2, 4 और 6 वीडियो मैंने इस पर अपलोड किए हैं, ठीक है। ये देखें, व्यूज़ भी अच्छे खासे आए हुए हैं और यहाँ पर मुझे इन 6 वीडियो के बदले में 27 जो है सब्सक्राइबर मिले हैं। 2.1 के इसका व्यूज़ आए हैं और आलमोस्ट 9 घंटे इसका वॉच टाइम हावर्स हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे, आपके पास ऐसा चैनल मौजूद है तो आपने क्या करना है, इस पर वीडियो भेजते जाना है। जब आपके पास सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, आलमोस्ट 50K यानी कि 50,000 हो जाएं या इससे ऊपर हो जाएं, ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आने के बाद इधर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप इसका नाम चेंज करके, ठीक है, यहाँ से नाम चेंज करके आप ना क्या करना है, इधर इस चैनल पर बड़ी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देनी है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपकी छोटी वीडियो अपलोड हो रही हैं, शॉर्ट्स वीडियो, उन पर अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, जबकि 50,000 आपके सब्सक्राइबर भी मौजूद होंगे, ठीक है, तो फिर ऐटोमेटिकली क्या होगा, जो बड़ी लॉन्ग वीडियो होंगी वो उन पर अच्छे खासे व्यू आना शुरू हो जाएंगे और आपकी अर्निंग हो जाएगी और चैनल भी मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अगर आप नाम चेंज ना भी करें तो आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो आपने वीडियो अपलोड कैसे करनी है, वो तरीकाकार मैंने बता रखा है, ठीक है, यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं और क्रोम ब्राउज़र में भी जाकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो यही तरीका आपने फॉलो करना है। अभी शॉर्ट्स पर आप काम करें, ठीक है, फ्यूचर में आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर हो सकता है कि फ्यूचर में शॉर्ट्स की जो है अर्निंग ज़्यादा हो जाए, मे बी, लेकिन रिस्क की बात है, लेकिन आपको इससे फेम मिल सकता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप ये काम करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस पर यूट्यूब पर शार्ट्स के लिए फेम देगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।